नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। और आप एड वीजा के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर भी आप अगर हैं तो पेज को लाइक कर लेना एक बारी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना या फॉलो कर लेना। वीडियो जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपकी के जो आईटीआर को लेकर के काफ़ी सारी जो है मिसकंसेप्शंस हैं कि आईटीआर के बिना वीज़ा आ सकता है या नहीं आ सकता। एक तो इसको हम क्लियर करेंगे, दूसरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लगाने पर आपको जैसे आपकी नोटरी अटेस्टेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें करने चाहिए, और मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं या किस किस डॉक्यूमेंट्स को लगाएं और किसको ना लगाएं। तो सबसे पहले तो भाई शुरू करते हैं आईटीआर से। आईटीआर जो है वो आपको बहुत कुछ उसमें देखना होता है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो अभी की सैलरी दिख रही है क्या वो आईटीआर से मैच करेगी या नहीं करेगी। अगर आपको लगता है कि आईटीआर से मैच करती है तो बिल्कुल लगाएं, और अगर नहीं करती है तो फिर आईटीआर को या तो आप रिवाइज करवाएं। लेकिन रिवाइज में बहुत चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि रिवाइज अगर वो अपडेट नहीं होती है आपकी बेंगलोर में, ये ध्यान रखना, वेबसाइट से तो आपको मिल जाएगी लेकिन अगर वो बेंगलोर के अंदर अपडेट नहीं है तो फिर दोस्तों आपको एक साफ तौर पे कहूँगा कि आप उसको रिवाइज ना करवाएं। फिर आपको सलाह ले लेनी चाहिए कि वो आईटीआर लगे या ना लगे, क्योंकि यहाँ पर आईटीआर के मैंने 3 से 4 केसेस देखे जो बैन हो चुके हैं और उन्होंने रिवाइज करवाई थी। क्योंकि जब वेरिफिकेशन भेजी जाती है तो वेरिफिकेशन में आईटीआर का जो डिपार्टमेंट है बेंगलोर से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो वहाँ, वो लिख करके भेज देते हैं कि आईटीआर जो है वो उनके वहां पर अलग है। तो आप लगाओगे रिवाइज वाली और उनके पास मिलेगी दूसरे वाली जो पहले थी, ओरिजिनल वाली। अब ये जो चीज है ये आपको मिसमैच कर देगी, और मिसमैच की वजह से वेरिफिकेशन में वो चीज गलत आएगी और आपको बैन हो सकता है। तो ये पहली चीज है। दूसरा जो है कि नोटरी अटेस्टेड क्या करवाएं और क्या ना करवाएं। देखो वो एक जो भी आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप नोटरी अटेस्टेड जरूर करवा लें। जैसे आपकी फर्द हो गई है, अब फर्द के ऊपर भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कह रहे थे कि भाई हमने फर्द नहीं लगाई और वीजा आ गया। अब वो बिजनेस कर रहा था तो फर्द की तो जरूरत ही नहीं पड़ती वहां, क्योंकि फर्द की जरूरत तब होती है जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो फर्द तब लगेगी अगर आपकी एग्रीकल्चर की इनकम है या डेयरी की इनकम है, और डेयरी के अंदर भी आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो। और नोटरी अटेस्टेड बिल्कुल भाई नोटरी अटेस्टेड करवानी है। नोटरी अटेस्टेड आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज जो भी है, हिंदी, पंजाबी, गुजराती जो भी रहेगी, तेलुगु वगैरह, उसके साथ साथ एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी चाहिए। इंग्लिश की ट्रांसलेशन नोटरी अटेस्टेड होनी चाहिए, लेकिन नोटरी अटेस्टेड नॉर्मल करवानी है। नोटरी अटेस्टेड वो नहीं होती जो वैलिड फॉर एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक लूटने का धंधा है और कुछ नहीं है। तो वो चीज आपको करवा लेनी है नोटरी अटेस्टेड नॉर्मल वाली, जो 10 रुपए का पेज होता है या 5 रुपए का, जो भी आपके वहां रेट होगा, 10 रुपए के आसपास लेते हैं अगर आप बल्क में करवा रहे हैं। तो ये हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आप करवा लें। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थोड़ा सा आपका पॉजिटिविटी ले आता है केस के अंदर। सीए लगे ना लगे उसकी कोई फर्क नहीं होता है। देखिए सीए जो है वो खुद आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बेस पे लगाएगा, तो वो लिख देगा एज पर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो जब आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाई दी है तो सीए की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीए की जो रिपोर्ट है वो आप नेटवर्थ रिपोर्ट, उसको आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको 6 महीने कम से कम रखनी है। 3 महीने पे भी वीजा आ जाता है, हम लोगों का 40 दिन पे भी आया, और एक चंद्रशेखर जो एक्सेप्शन केस था वो बिना स्टेटमेंट के भी वीजा आया था। मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट उसके बैंक के वो भूल ही गया था लगाना, तो फिर भी उसका वीजा निकल गया था, क्योंकि हमने मेल डाल दी थी कि ऐसे ऐसे करके हो गया गलती से, और हम लोग उसको आप रिक्वेस्ट करना, हम दोबारा आपको भेज देंगे। तो वो एक ऐसा केस था जो बिना स्टेटमेंट के हमारा हो गया था। एक के हम सिर्फ 40 दिन की स्टेटमेंट लगी थी, क्योंकि उसके पास थी नहीं ज्यादा, तो उनका भी वीजा आया था। 3 महीने पे तो हमने गवर्नमेंट जॉब वालों के काफी वीजे मिले हैं, और 6 महीने पे तो नॉर्मली हम सबका करते ही करते हैं। 4 महीने भी हो जाते हैं, 5 महीने भी हो जाता है, और ये इस आवाज के लिए थोड़ा सा हमें क्षमा करना, क्योंकि गुड़िया है और उसको भूखी लगी होगी तो दूध मांग रही है। तो ये अभी बैंक स्टेटमेंट को लेकर के है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास बहुत खास ध्यान रखना है। अभी मैंने एक वीडियो और डाली थी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके ऊपर जो है वहां लास्ट के कुछ पेजेस हैं, उनमें ना तो वो अकाउंट नंबर लिखा आता है, ना नाम लिखा आता है, ना कब से कब तक की निकली है ये लिखा रहा है। तो ये खासतौर पर सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो रहा है। तो
तो अब आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप स्टेटमेंट निकलवा रहे हो तो वो नाम आए, और अगर नहीं आ रहे हैं तो बैंक के पास जाएंगे, भाई ये चीज नहीं वैलिड है, एम्बेसी से ये चीज का रिफ्यूजल है। तो वीडियो डाउनलोड कर लेना जो पीछे वाली मैंने है, उसमें मैंने रिफ्यूजल के रीजन जो था स्क्रीनशॉट करके डाला हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये चीज इस वजह से रिफ्यूज उन्होंने डाला है। तो आप एम्बेसी अपना बैंक में दिखा करके उनको बोल सकते हो कि भाई ये देखो आप लोगों की गलती होती है और भुगतना हम लोगों को पड़ता है। तो ये खास तौर पे ध्यान रखना है बैंक स्टेटमेंट में। अगर आप लोगों की फिक्स डिपॉजिट है तो भाई पुरानी होनी चाहिए, विद इन 5 महीने या 4 महीने 3 महीने की फिक्स डिपॉजिट को वो लोग नहीं मानते, उसको वो ऑब्जेक्शन का रीजन बना देते हैं। तो आपको कोई भी एफडी जो लगानी है वो कम से कम 6 महीने पुराने की एक फिक्स डिपॉजिट होनी चाहिए। अब जो टाई अप की बात करें, जो वैल्यूएशन सॉरी आपका जो फैमिली टाइज है, फैमिली टाइज के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फैमिली मेंबर इंडिया में है उनके आप आधार कार्ड वगैरह जरूर लगाएं, फैमिली आईडी जरूर लगाएं अगर अवेलेबल है, और अगर ये कहीं से प्रूव कर सको कि वो इंडिया में ही है तो वो भी चीज़ लगा दे रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हो जाती हैं। अब जैसे सैलरी स्लिप्स वगैरह हैं वो तो सबको पता है कि नॉर्मल है भाई, वो तो लगेगी, एनओसी भी लगेगी लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आती थी इन चीजों के ऊपर। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक खुल करके थोड़ी सी चीजें बता दें कि भाई आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, और बाकी जो अगर कोई भी चीज की प्रॉब्लम है आप टीम से कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, और हमारी तरफ से जो होता है वो पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जेन्युइन गाइडेंस मिलती रहे। लेकिन फिर भी वही बात है भाई, हम भगवान नहीं है ना, हम ऊपर वाले हैं कि 100% हमारे से आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करें वो कहीं भी नहीं होता। इंसान कभी भी 100% नहीं दे सकता, 100% सिर्फ एक ही शक्ति है और कोई नहीं है। तो हम लोग पूरी कोशिश अपनी तरफ से रखते हैं कि जो 400 ओवरटर्न्स हम लोगों ने करवाए हैं उसके बेसिस पे जितना भी एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ है वो आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग बताएं कि भाई ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। बाकी फाइल अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोगों को बाहर के लिए अप्लाई करनी है तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, एक बारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और VFS में जा करके आप इसकी फाइल की जो बायोमेट्रिक है वो देते हैं, तो अप्लाई कहीं से भी हो सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक जो होती है वो VFS के अंदर ही होगी, और जो लगभग दिन इसमें 6-7 दिन का टाइम पीरियड इसमें चल रहा है। तो अगर आज आपकी फाइल सबमिशन हो रहा है, आज आप अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म भर करके, तो फिर 6-7 दिन के अंदर आपको बायोमेट्रिक मिल जाती है। अभी कुछ क्वेश्चंस थे जो पैप को लेकर के आ रहे हैं कि भाई पैप में कितना टाइम लग रहा है। देखो पैप में मैंने पहले भी बताया था कि 15 दिन के आसपास ले लेती है एम्बेसी रिकंसिडरेशन के लिए, या इसको मैं बोलूँ लिटिगेशन सेंटर। तो लिटिगेशन सेंटर जो है वो 15 से 20 दिन का टाइम ले रहा है, पहले 14 दिन से कम में हो जाता था, लेकिन अभी कुछ या तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा होंगी, और जो आगे की बात है वो है आपका कि जो रिकंसिडरेशन पे जाने के बाद टाइम है लगभग 3 महीने का ले रहा है। तो उस दौरान में आपको 4 महीने का जो टाइम है उस दौरान आपको अपनी फाइल पूरी उसी तरह से मेंटेन करके रखनी है जैसे आपने एप्लीकेशन के टाइम पे रखी थी, और अगर आपको लग रहा था कि वो मेंटेन नहीं है तो फिर एक तरीके से नया सिरे से उसको मेंटेन करना भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोगों को अगर ये ठीक लगा है कि भाई हमने एक ईमानदारी से आपको इन्फॉर्मेशन दिया तो शेयर करके दूसरों तक भी पहुँचा देना। चैनल आप लोगों की ही बदौलत है कि इसको अभी 4,000 से ऊपर सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं, 90,000 से घट के 0 पे आया था, 0 से अभी 4 पे आ गए हैं। तो शेयर करते रहना, धीरे धीरे लोगों के पास जाएगा तो वापस वो लोग फिर से सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।